क्वेश्चन अपन है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटम नंबर और द क्वांटम नंबर हाउ वी कैन फाइंड आउट देयर इज वन क्वेश्चन इज देयर सपोज दैट टू थिंग्स इज लिखा हुआ क्वेश्चन में पूछ दिया कि आप इसके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो। व्हाट्स योर नेम? निखिल। अभी ध्यान से सुनना, तो तुम्हारा ही नंबर है, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं बताने के बाद, इसलिए ध्यान सुनना। कॉन्सेप्ट नहीं आया क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है 23 लिखा हुआ है और आपको सपोज दैट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिलेट करता है? सेल नंबर। सेल नंबर किसको रिलेट करता है? सेल नंबर। इसमें किस सेल में इलेक्ट्रॉन है? सेकंड सेल। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल गई कितनी? 2 मिल गई। And how we can find the azimuthal quadrant? Sorry, where? The azimuthal quadrant. Azimuthal. Second quadrant number, as we find out, we will find out. As we see here, L is equal to written here. Here the formula is given. 0, 1, 2, 3. L ki value ko find out karne ke liye yaad rakhiyega is formula ka use karenge aap. Kaun sa? L is equal to 0, 1, 2, 3 ka use karte hain. Isse yaad rakhna. Ab kya karenge isme? Ab yahan pe kaun sa sabse diya hua hai? P सबसेल दिया है, P सबसेल के लिए इस फार्मूले में L की वैल्यू कितना है? 1 है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 1। फिर बात आती है मैरिटिक क्वांटम नंबर की, तो मैरिटिक क्वांटम नंबर के लिए यहाँ पे दो फार्मूले दिए हुए हैं, ध्यान सुनिए। तो क्वेश्चन में जब कहेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैरिटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो, तो आपको केवल सिंगल वैल्यू लिखना होगा, समझ में आने बात। लेकिन क्वेश्चन में अगर कहा जाता है टू फाइंड द ऑल मैरिटिक क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन, तब आपको ये दोनों फॉर्मूलों को यूज करके टोटल मैरिटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी होगी। तो अभी मैं आपको लास्ट वाला बता रहा हूँ, उसके बाद टोटल भी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कौन कौन से तीन वैल्यू को निकालना होता है। मैरिटिक क्वांटम नंबर में तीन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन तीनों में से कौन सा लिखना है वो पेपर में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि तीनों ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को पहले क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का रिप्लाई करोगे। तो सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे हम लोग यंग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ध्यान सुनिएगा तभी आएगा, इनको बता दूँगा। तो कैसे क्या करेंगे, हम पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यंग इक्वल टू माइनस एल जीरो एंड प्लस एल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो चुकी है, कितनी आई है? 1। अगर इस वैल्यू में पुट कर देते तो अगर माइनस 1 जीरो और कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल चुकी है, ठीक है। अब मुझको थ्री वैल्यूज में से केवल एक सिंगल वैल्यू को लिखना है, कैसे मुझे पता चलेगा तीनों में से कौन सा राइट होगा, ठीक है। यही बस बच्चे मिस्टेक करते हैं, यही आपको समझना है। तो क्या करेंगे, आपको तीनों में से कौन सी वैल्यू लिखेंगे? आप आएंगे अपने सबसेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, उसके पावर पे कितना लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर 3। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं? 3। दिए हुए यहाँ पे, क्या करते हैं तो याद करना, से इसको क्या करते हैं, काउंटिंग के थ्रू लिखते हैं, याद करना, हमेशा ही काउंटिंग स्टार्ट होगी नेगेटिव साइड से। तो यहाँ पे पावर 3 दिया, 3 बार आप काउंट करोगे, 1 2 3, लास्ट में जो आएगा वही लिखना है, कितना हो जाएगा? प्लस 1। सपोज दैट यहाँ पे पावर अगर 6 रहा होगा तो कितना लिखते हैं, कितना लिखते हैं? क्या राइट करेंगे? कब से क्लियर है?
ही नहीं किया जिसको यू टू काउंट कर दे दी अभी तो वाई सी नहीं जा रही है मेरी Again, what is given there? The 2P3 is given there. And for 2P3, the question here is how we can find the all quantum number for the last electron. Last electron के लिए कैसे quantum number की value को find out करेंगे? तो quantum number 4 types के होते हैं. आपको 4 में कितने values होते हैं सबका निकालना होगा. तो सबसे पहले किसका निकालेंगे आप? Principal quantum number. Principal number quantum number किसको represent करता है? Cell number. तो यहाँ पे cell number कितना है? Second. इसमें कोई problem नहीं होगी सब में देखो. बहुत इजी है सेकंड आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको यहाँ से डिनोट करते हैं यहाँ की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1 2 1 आया है क्योंकि सबसेल कौन सा है पी है और हमारे फार्मूले में पी सबसेल के लिए यहाँ की वैल्यू कितनी होती है नॉट क्लियर फिर क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ऊपर एक पावर लिखा हुआ है ठीक है माइनस एल जीरो प्लस अब इसमें क्या करेंगे एल की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी मिल चुकी है इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यू मिल गई समझ जा रही बात जब 3 वैल्यू मिल चुकी है तो अभी तीनों में से केवल एक सिंगल वैल्यू को लिखना है तो कैसे पता करेंगे कौन सी वैल्यू लिखना है अब हमने सबसेल के पावर के आगे कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो यहाँ पे पावर 3 लिखा हुआ है तो निगेटिव साइड से स्टार्ट करोगे काउंटिंग जितना भी पावर आएगा तो यहाँ पे 3 है तो निगेटिव साइड से काउंट करोगे 3 टाइम्स 1 2 3 तो वैल्यू इज गिवन व्हाट प्लस 1 इसीलिए यहां की वैल्यू कितना लिखा है प्लस 1 लिखा है बोलो अभी क्लियर है ओके अब क्या करेंगे हम लोग फोर्थ वैल्यू निकालेंगे इसकी स्प्लिट क्वार्टर नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे स्प्लिट क्वार्टर नंबर क्या होता है जिससे जो चौक हो उसमें मैंने नहीं लिखवाया था आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाया कुछ बताया था वो समझा ही बताया था रेडी नोट करो नेक्स्ट रेडी नोट करो फोर नंबर होगा फर्स्ट नंबर में फोर नंबर स्पिन क्वांटम नंबर सभी लोग जितने लोग ऑनलाइन है नोट डाउन द हेडिंग स्पिन क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन It is represent the direction of electron. For clockwise, next slide sir. For clockwise, clockwise के लिए S की वैल्यू क्या होगी? Plus half. S square to plus half. For clockwise. For clockwise, spin quantum number value is plus half. And for anticlockwise. माइनस हाफ एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा कैसे पता करेंगे कौन सा क्लॉक है कौन सा एंटी क्लॉक है उसको भी समझ लीजिए ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले जैसे आपके पास एक सबसेल दिया है यस और उसने दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक सबसेल है यस उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं हम लोग क्या करेंगे कैसे पता करेंगे कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें क्या करना है हमको इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल के अंदर क्या करना है फिल करना है ऑर्बिटल के अंदर जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे आप क्या करना है आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ये है क्लॉकवाइज और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज फिल करते हैं और सेकंड क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ और इसके लिए क्या हो जाएगा क्योंकि ये वाला डायरेक्शन किधर है क्लॉकवाइज और ये वाला कौन सा एंटी क्लॉकवाइज समझ आ रही बात तो कैसे पता चलेगा यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैंने कल बताया यस सबसे में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा हो गए नहीं और हो सकते हैं नहीं कर सकते हैं
समझ में आ रही बात सबको? ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इंपॉर्टेंट होगा। अब कैसे पता करेंगे कि प्लस हाफ होगा कि माइनस हाफ होगा इस क्वेश्चन से, देखिए कैसे पता करेंगे। तो टू बी थ्री के लिए इंपॉर्टेंट नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले याद रखना इस इंपॉर्टेंट नंबर की वैल्यू कभी भी जब भी फाइंड आउट करना हो किसी भी आइटम के लिए किसी भी सबसे निकल। तो पहले क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सबसे दिया हुआ है, सबसे कौन सा दिया हुआ। तो पी सबसे में हाउ मेनी ऑर्बिटल, थ्री थ्री होता है, वेरी गुड रिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं सबको फिल करोगे, सारे फिल करेंगे, वन टू नहीं दिया हुआ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो कहाँ की तरफ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू दिया तो प्लस का बार। वेरी गुड खुशी नाउ क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसको आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? वीडियो बंद कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल रो इन क्लास 11 बायो स्ट्रक्चर। सो हाउ वी कैन डिवाइड द होल रो, व्हाट डू यू मीन बाय द होल रो। अगर आपने किसी ने होल रो पूछा तो क्या बताओगे, ये रूल है क्या। इस रूल में किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से अरेंज करते हैं उसी के बारे में रूल ने बताया था, क्लियर है? क्या बताया था रूल ने, क्या बताया? किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को हाउ टू फिल इन गिवन ऑर्बिटल, ओके। चलिए देखिए, पहले समझ लीजिए फिर बाद में डिस्कशन एक बार करेंगे। ये किसका ऑर्बिटल है, किस सबसे के लिए ऑर्बिटल है, बी सबसे, बी सबसे का ये क्या है ऑर्बिटल। तो मान लीजिए अपन दिया है आपको क्वेश्चन में कहीं 2p4 दिया हुआ है, तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात रूल ने बताई थी कि हाउ टू फाइंड द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एनी एटम, किसी भी एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे हम लोग बताएंगे कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कितने अनपेयर्ड, ये भी बताया था हमने। चलिए देखिए, तो पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जब हमारा ऑर्बिटल क्या हो कम्प्लीटली फिल हो, क्या हो कम्प्लीटली फिल हो। तो मैं इसको बोलूँगा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलूँगा वन पेयर ऑफ। और मान लीजिए ऐसे हो तो क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड या अनफिल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वन होगा, ठीक। अभी पूछूंगी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन ऑर्बिटल, दो अनपेयर्ड है और पेयर्ड कितने हैं वन है, क्लियर है। अब क्वेश्चन जैसे दे दिया 3d4 दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 3d4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी 3d4 के लिए, तो कैसे बताएंगे 3d4 के लिए हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अंजलि बताओ, रिया, प्रीति आंसर दो, 3d4 के लिए हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलो बताओ आप बताओ। वन पेयर्ड होगा, रिया तुम्हारा आंसर राइट है बेटा, वेरी गुड। हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन 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 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलो बोलो जीरो बोला,
आज पहला दिन इसके स्कोर हो हो गया। अब पेयरिंग करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? नाइन।
सेवन हो चुका है, नाइन हो गया, तो फेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? टू। फेयर इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया टू, ये इसका आंसर है। और कितने अनपेयर्ड हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बोलो सॉल्व करने आए सबको? यस सर। क्लियर है? यस सर। वीडियो बंद करो। बंद की कोई कोर्स वो पढ़ने वाला क्यों उधर गया? कोई को डिस्कस था कॉलेज स्टूडेंट प्रिंसिपल व्हाट यू मीन बाय दिस प्रिंसिपल, कॉलेज ने इस प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान से समझिए। ये कॉलेज मुझे उन्हीं को समझ में आएगा जिनको क्वांटम नंबर सब अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? जो लोग क्वांटम नंबर को समझ गए होंगे अच्छे से वही कॉलेज में प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पाउली ने बताया था कि फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन देर इज नो सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर, इट विल बी चेंज द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया था अपने प्रिंसिपल में कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, कभी भी सेम नहीं हो सकती। मतलब क्या है इसका? जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है उसको समझाने के लिए। यहाँ पे देखने होंगे कि यंग यंग और यंग तीनों की वैल्यू कैसे दिख रही है? सेम दिख रही है। लेकिन लास्ट वाले में क्या कभी इसमें इंपॉर्टेंट नंबर की वैल्यू को हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है, न तो वन भी नहीं कभी नहीं होगी, न तो जीरो होगी, हमेशा किस फॉर्म में होगी? प्लस हाफ और माइनस हाफ की फॉर्म में। तो इन्होंने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर और क्वांटम नंबर वैल्यू नेवर विल बी सेम। ठीक है, इन प्रिंसिपल था किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए इनके और क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आ रही बात? यही इन्होंने पॉली लॉ प्रिंसिपल प्रिंसिपल बताया। हाफ लाइन का स्टेटमेंट दिया है, कितना लाइन है? पूरे एक लाइन ही लेती है। कुछ तो इसमें क्या बताया है? दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नहीं सेम होगा? क्या नहीं सेम होगा? क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर फोर वैल्यू जो जैसे कि आपने लिखा है 2p2 लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। समझ लो यार की वैल्यू कितनी है? 2 यार की वैल्यू 1 1 यम की वैल्यू 0 0 यस की वैल्यू देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट हाफ होगा, क्या होगा? प्लस हाफ। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तब क्या करेंगे? माइनस 1 अपॉन 2 तब यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उन्होंने यही बताया कि जब किसी भी एटम के सबसे ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारे क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी, कभी भी सेम नहीं होगी। यही उन्होंने पॉली ने अपने स्टूडेंट्स को बताया था। बोलो विषय पर क्लियर है? Cannot show same value
फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर, फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर, एग्जांपल में लिखा था, एग्जांपल में ये वाला बता दो सर। सब कुछ जब भी क्वांटम नंबर खाली चार ही हूँ और भी तो सकते हैं नहीं कोई डिफाइन कुछ तो सिर्फ एग्जांपल बता दो, वीडियो पोस्ट करो।